यहाँ शादी के बाद दूल्हे के दोस्त उतारते हैं दुल्हन के सारे कपड़े। दोस्तों शादी को लेकर दुनिया के अधिकांश देशों में अजीबोगजब परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं। जहाँ कई देशों में शादी के बाद दूल्हा दुल्हन के साथ हल्का फुल्का मजाक किया जाता है, वहीं कई देशों में रीति रिवाज के नाम पर काफी बेहुदा रिवाजें निभाई जाती हैं। ऐसा ही एक देश है चीन, जहाँ शादी के बाद दूल्हे के दोस्त मिलकर दुल्हन के कपड़े उतारते हैं। इस दौरान दूल्हा अपनी दुल्हन को बचाने के लिए काफी प्रयास करता है, लेकिन दूल्हे के दोस्त किसी की भी ना परवाह करते हुए दुल्हन के सारे कपड़े उतारते हैं। यहाँ पर शादी के बड़े अजीबोगरीब गेम होते हैं, जिन्हें वेडिंग गेम के नाम से जाना जाता है। इसी में एक गेम ये भी होता है जिन्हें नई नवेली दुल्हन के कपड़े पति नहीं उनके दोस्त उतारते हैं। इस गेम में दुल्हन अपने कमरे में बैठी होती है, इसी दौरान दूल्हे को लाल रंग के कंबल से दुल्हन को ढकना होता है, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रहता है। दुल्हन भी खुद को उन दोस्तों से बचाने के लिए चिल्लाती रहती है, लेकिन दूल्हे के दोस्त किसी की नहीं सुनते और कपड़े उतारते रहते हैं। इसी रिवाज के चलते लोग वेडिंग गेम पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, और कुछ लोगों का मानना है कि ये गेम बिल्कुल नहीं होने चाहिए। कुछ तो ऐसे दोस्तों पर गुस्सा दिखाते हैं, वहीं कुछ लोग इन रिवाजों को बकवास बताते हैं। बहुत से लोगों का कहना है वेडिंग गेम होने चाहिए, दुल्हन के कपड़े उतारने नहीं चाहिए। इस रिवाज को दुनिया भर में सभी लोगों ने नापसंद किया है और अपना गुस्सा जाहिर करते हुए सोशल नेटवर्किंग साइट पर ऐसे गेमों को बंद करने को कहा है। लेकिन शायद ही चीन का यह रीति रिवाज बंद हो। ये थी ऐसे न्यूज की रिपोर्ट।